भाइयों ने दूर। हेलो गाइस, नमस्कार, मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। आप जो वीडियो देख रहे हैं, इसके वीडियो अगर बनाना चाहते हैं प्रोफेशनल तरीके से, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा, थोड़ा सा वीडियो को स्किप नहीं करेगा। वीडियो को स्किप करेगा तो आपका ही प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर पॉइंट अगर मिस हो जाएगा तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप इस तरह से नहीं बढ़ पाएगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा देखना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिया, हमारे चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल नोटिफिकेशन ऑल दबा दिया, तो वीडियो हम डालते हैं नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो बहुत भाई लोग कमेंट किए थे कि भाई होली पर वीडियो बना, होली वीडियो बना कि होली आने वाला है तो होली पर इसलिए हम वीडियो बनाया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो किसी भी तरफ आपको सवालों का जवाब नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं और जवाब दे सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट कर जरूर बताइए किस तरह का आपको वीडियो लगा। ठीक है, तो चलिए बिना बकवास करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली आपको कैन मास्ट ओपन करना, ओपन करना प्लस करना, क्लिक करिए, क्लिक करना 60.9 को सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेलेक्ट करना इस तरह का इंटरफेस ओपन रहेगा। अगर मेरे वाला कैन मास्ट आप लोगों के पास नहीं है जो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा किस तरह से कैन मास्ट डाउनलोड किया जाता है। आपको स्टेप बाय स्टेप उसमें बताया, जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए कैन मास्टर को, जो मेरे वाला कैन मास्ट जो अभी हम यूज कर रहे हैं तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के लिए आपको जितना सारा इसमें प्रोजेक्ट है, सारा चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा जितना सारा इसमें प्रोजेक्ट हम यूज़ किया है। तो चलिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। तो सबसे पहले कि वीडियो को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए वीडियो है, वीडियो के यहाँ से हम सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, इसे सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट करने के लिए आपको इसको 11 सेकंड पर चलाना। ठीक है, तो हम दिखाते हैं आपको। देखिए 11 सेकंड जैसे ही आइएगा, देखिए इस जगह पर 11 सेकंड पर जैसे आइएगा, देखिए तो यहाँ देखिए आपको टाइमर इस जगह दिख जाएगा। ठीक है, 11 सेकंड पर आने वाले जो लाइन दिख रहा है, इस 11 सेकंड पर आपको इसको स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के क्या करना, आपको लेयर क्लिक करना है और यहाँ से मीडिया आप क्लिक कर देना। ठीक है, मीडिया आप क्लिक करने के क्या करना, आपको देखिए इस होली वाला जो पीएनजी में जिसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, आपको भी सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेलेक्ट करने के क्या करना, आपको साइज को थोड़ा सा इस तरह छोटा कर दीजिए और छोटा करके हम इसको इस जगह पर एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको भी एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद क्या करना, आपको नीचे आइएगा तो यहाँ देखिए क्रॉपिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिए, स्विच को ऑन कर देना है। ऑन करने के क्या करना, थोड़ा सा इसको क्रॉप कर लेना, नीचे से इसको क्रॉप कर लीजिए और यहाँ से फिल्टर को अप्लाई कर देना। ठीक है, तो अप्लाई इसको 35% तक कर सकते हैं या 40% कर दो। ठीक है, तो 40% हम इसको कर देते हैं, इस तरह से अप्लाई कर देना। ठीक है, जैसे ये अप्लाई हो जाएगा तो आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। तो इसको अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, इस तरह से एडजस्ट करके हम इसको इस जगह पर लगाते हैं। ठीक है, आपको भी इस तरह से लगा देना है। लगाने के बाद क्या करना, आपको इसको फिर से आ जाइए उसी जगह पर, मतलब इस इमेज को फर्स्ट में आइए, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिए। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के क्या करना, आपको फिर से लेयर क्लिक करना है और मीडिया क्लिक करना है और यहाँ से एक लड़की का इमेज जो है आपको ले लेना। ठीक है, तो लड़की का इमेज हम इसको इस जगह पर होगा तो हम यहाँ से लड़की का इमेज को ले लेते हैं। तो आपको भी इस जगह से आपको अपना जो इमेज लगा लेना। ठीक है, और जो आपका जो इमेज होना चाहिए वो PNG में होना चाहिए, इस तरह से PNG में होना चाहिए। और नहीं तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, वहाँ से जो लड़की वाला PNG इमेज है आपको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको फिर से इसको आएंगे क्रॉपिंग में और स्विच को ऑन करेंगे और इसको थोड़ा सा फिल्टर को अप्लाई कर देंगे, इस तरह से क्रॉप कर लेंगे। ठीक है, क्रॉप करने के क्या करना, आपको साइज को इसको इस जगह पर अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, देख सकते हैं इस तरह से आपको कर लेना। ठीक है, जैसे ये एडजस्ट हो जाएगा, देखिए कितना बेहतरीन तरीके से लग रहा है, आपको इस जगह एडजस्ट कर देना। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद क्या करना, आपको इसमें एनिमेशन डालना है, जो कि एनिमेशन जाना है और यहाँ से देखिए आपको जो टॉप वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इसको आपको सेलेक्ट करना। ठीक है, टॉप वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा इस तरह से, तो बेहतरीन तरीके से लगेगा देखने में। ठीक है, और सबसे पहले उसके बाद क्या करना, सबसे पहले आपको जो इमेज जो सेलेक्ट किया था फर्स्ट वाला जो होली वाला जो इमेज था उसमें भी एनिमेशन डालना होगा, जो कि एनिमेशन जाना है और नीचे आइएगा तो यहाँ पर स्लाइड ड्रॉप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। ठीक है, इस तरह से स्लाइड ड्रॉप कर दीजिएगा और नहीं तो आप दूसरा चाहे दूसरा भी लगा सकते हैं, हम उसको स्लाइड ड्रॉप भी लगा देते हैं। उसका यहाँ से इसको ओके कर दे। ठीक है, ओके कर दिए, ओके करना है तो क्या करना, फिर से लेयर क्लिक करना है और मीडिया क्लिक करना है और फिर से हम एक जो देखिए जो गुलाल वाला जो PNG में है इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करके क्या करना, आपको इसको इस जगह पर एडजस्ट कर देना। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्ट करने के बाद क्या करना, आपको यहाँ चाबी का आइकन पर क्लिक करिए, क्लिक करने में क्या करना, थोड़ा सा इसको स्क्रॉप कर लीजिए। ठीक है, इसको स्क्रॉप करिए और प्लस का आइकन पर क्लिक कर देना। ठीक है, क्लिक कर दीजिए, क्लिक करने में क्या करना, आपको इसी इमेज को फर्स्ट में आइए और इसको इस तरह से जूम कर देना। ठीक है, इस तरह से जूम कर दीजिए और इसको ऊपर की ओर इस तरह से कर देना। ठीक है, देख सकते इस तरह से इसमें आके एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके जैसे ही जो गुलाल वाला जो PNG में सही हो जाएगा, उसके क्या करना, आपको लेयर क्लिक करना है, फिर से मीडिया क्लिक करना है और मीडिया क्लिक करने क्या करना, फिर से जो बाल्टी वाला जो गुलाल है इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको इससे सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट करके क्या करना, आपको साइज को अपने हिसाब से मिला देना है और इसको और छोटा करते हैं और छोटा करके हम इसको इस जगह पर लगा देंगे। ठीक है, आपको भी इस तरह से लगा देना है। लगाने बाद क्या करना, आपको चाबी के आइकन पर क्लिक कर देना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ से प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। ठीक है, क्लिक कर दिए, क्लिक करके फिर से इसको फर्स्ट में जाइए और इसको घींच कर इस तरफ कर देना। ठीक है, इस तरफ करना, फिर से लेयर क्लिक करिए, फिर से मीडिया क्लिक करिए और फिर से हम बाल्टी वाला PNG इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, पहले इसको लेयर को इस तरह से बढ़ा देना है और साइज को छोटा कर देना। ठीक है, छोटा करके हम इसको इस जगह पर लगाएंगे, आपको भी इस तरह से लगा लेना है और अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करिएगा। इस तरह करने बाद क्या करना, आपको चाबी के पर क्लिक करिए और थोड़ा सा स्क्रॉप करके प्लस के पर क्लिक कर देना। ठीक है, क्लिक करके फिर से इसको इमेज को फर्स्ट में आइए और इसको घींच कर इस तरफ कर देना। ठीक है, इस तरह से कर देने बाद क्या करना, आपको
उसके बाद फिर से आप चलाना 11 सेकंड पर, ठीक है। आपको 11 सेकंड पर चलाइए और 11 सेकंड में जैसे ही आइएगा तो आपको लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ से मीडिया पर क्लिक करना है। और मीडिया पर क्लिक करना है क्या करना है आपको, यहाँ से देखिए जो नेचुरल फ्लावर पीएनजी में जिसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करना क्या करना, साइज को थोड़ा छोटा कर देना है, छोटा करके हम इसको इस जगह पर ऐसे लगा देंगे, ठीक है। आपको भी इस तरह से लगा देना है। इस तरह से लगाने के बाद क्या करना आपको, लेयर को पूरा लास्ट तक कर देना, ठीक है, इस तरह से कर दीजिएगा। करने बाद क्या करना आपको, थ्री डॉट पर, यहाँ इस जगह पर थ्री डॉट मिलेगा, इस जगह पर क्लिक करिएगा और यहाँ से डुप्लीकेट कर लेना, ठीक है। इसको डुप्लीकेट कर लीजिए और डुप्लीकेट करने में क्या करना, इसको रोटेट कर देना, ठीक है, इस तरह से रोटेट कर दीजिए। रोटेट करके क्या करना आपको, इसको इस जगह पे यहाँ पर लगा देना इस तरह से, ठीक है, जो कि देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से लग जाएगा। इस तरह से आपको भी लगा देना, ठीक है। जैसे ही लग जाएगा तो क्या करना आपको, देखिए यहाँ से हो गया। उसके बाद क्या करना आपको, वीडियो को पूरा फर्स्ट में जाइए, ठीक है, पूरा फर्स्ट में आइए और यहाँ से लेयर पर क्लिक करिए और यहाँ से मीडिया पर क्लिक करिए और यहाँ से देखिए मेरे पास जो एक वीडियो है, इस वीडियो को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इसको क्या करना आपको, इस तरह से देखिए, इस तरह से इसको इस तरह से मतलब रोटेट कर देना है। रोटेट करके क्या करना आपको, इसको पूरा फुल जूम कर देना, ठीक है, इस तरह से जूम कर दीजिए। अब जैसे बता रहे सेम प्रोसेस करिएगा, इस तरह से जूम कर देना है और इसको इस जगह पर लगा देना, ठीक है। लगाने में क्या करना आपको, नीचे आएगा तो यहाँ ब्लेडिंग का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, तो ब्लेडिंग का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने में यहाँ से स्क्रीनिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस स्क्रीनिंग पर क्लिक कर देना, ठीक है, इस तरह से क्लिक कर दिया। क्लिक करने में क्या करना आपको, इसको यहाँ से डन कर देना है। उसका इसी वीडियो पर सेलेक्ट करिए, थ्री डॉट पर यहाँ क्लिक करिएगा और यहाँ सेंड टू बैक लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, इस तरह से क्लिक कर दीजिएगा। इस तरह से क्लिक करने में क्या करना, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से वीडियो बन चुका है। तो इसमें वीडियो को हम प्ले करके आपको दिखाएंगे किस तरह से वीडियो बना है। और इसमें जो ऑडियो है, ऑडियो आप अलग से भी लगा सकते हैं, नहीं तो जो मेरे पास जो बैकग्राउंड जो बोला जो वीडियो था, उस वीडियो पर आपको मतलब बताए हुए हैं किस तरह से, मतलब उसमें मतलब ऑडियो लगाए हुए हैं, जो बैकग्राउंड वाला जो वीडियो सबसे ऊपर जो सेलेक्ट किया, देखिए इस वाला जो वीडियो है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऑडियो लगाए हुए हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर ऑडियो नहीं है तो आप इसी ऑडियो पर काम चला सकते हैं, नहीं तो आपके पास कोई भी मनपसंद ऑडियो होगा तो आप ऑडियो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऑडियो लगाने के लिए क्या करना आपको, इस वीडियो को फर्स्ट में आइए और यहाँ देखिए यहाँ पे यहाँ ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, इस पर क्लिक करिए और इस पर क्लिक करना, देखिए आपको फाइल खुल जाएगा, ठीक है, इस जगह सारा ऑडियो आपको दिख जाएगा। इस जगह नहीं दिखता तो आप नीचे आएगा तो यहाँ देखिए एल्बम का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करना क्या करना आपको, जहाँ भी जो पूरा फाइल खुल गया तो आप जहाँ भी डाउनलोड किए होंगे चाहे कहीं भी रखे होंगे, जो फाइल यहाँ मिल जाएगा। तो हम डाउनलोड, देखिए यहाँ डाउनलोड क्लिक करते हैं और मेरे पास देखिए यहाँ पे होली का जो यहाँ देखिए यहाँ देखिए आपको जो ऑडियो का ऑडियो यहाँ पर चलने लगा, ठीक है, तो चलने लगा। तो इस जगह से आप यहाँ देखिए प्लस का आइकन, इस पर क्लिक करेगा तो वीडियो मतलब ऑडियो यहाँ पे इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस जगह से ऐड कर सकते हैं, यहाँ से वीडियो को प्ले करके आप यहाँ से देख भी सुन भी सकते हैं अलग अलग वीडियो को, आपको जो पसंद है यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम ऑडियो पहले से लगाए, तो वीडियो को पहले प्ले करके आपको दिखाते हैं किस तरह से वीडियो बना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा था, वीडियो को लाइक कर दिया, हमारे चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, बेल नोटिफिकेशन ऑल दबा दिया, इस तरह का वीडियो हम डालते रहते आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और डिस्प्ले पर दो वीडियो और शो करेगा, होली के लिए यही वीडियो है, इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो आपको वीडियो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और लेटेस्ट के साथ। धन्यवाद।